बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ इरफान खटाना। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया के साहली शहर जिद्दा में आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरेबिया की जानिब से आज यहाँ पे NA 75 जिस जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है एक बारी अक्सरियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी, इसी सिलसिला में आज यहाँ पर मौजूद मुस्लिम लीग के जो वर्कर्स हैं उन्होंने आज इस खुशी को बड़ी सादगी के साथ मनाया, क्योंकि कोरोना की वजह से SOPs को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे आज ये पुरवकार तकरीब जो है वो मनाई गई है। इसी सिलसिला में आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अकरम गुजर। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो आज की इस जीत पर क्या कहना चाहते हैं और उनको आज कैसा लग रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी, कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल खुशी जनाब। सर, सबसे पहले तो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने आज जो है वो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी, जो कि इस वक्त इन हालात में बड़ा मुश्किल था, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मरकज़ में बैठी हुई है उनको शिकस्त दी, इसकी क्या वजूहत है, आप क्या समझते हैं? सबसे पहले जी, हमारी इसमें कमाल कम है जबकि हुकूमत की नालायकियाँ ज़्यादा हैं, जिसकी बुनियाद पर हमारे वर्कर और पाकिस्तान की आवाम और बिलखसूस 75 हलका के लोगों ने ये महसूस किया कि ये जो यू टर्न कदम कदम पे लेते हैं, जिसके साथ साथ ये महंगाई जिसमें चीनी चोर, आटा चोर, बिजली चोर, दवाई चोर, ये सारी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर आज मुस्लिम लीग जो है वो अपने बयानिए पर कायम और दायम है। अच्छा, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, जैसा कि आज मुस्लिम लीग नून वहाँ पे जीत चुकी है, क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जो वहाँ पे जीत है इससे हुकूमत को आप कोई टफ टाइम दे सकते हैं? यकीनन जी, क्योंकि मुस्लिम लीग वर्कर का मराल अपू है और हकूमती जो लोग हैं उनका मराल डाउन भी हुआ है और यकीनन होना भी चाहिए था, इसलिए कि आज दिन तक पिछले 2.5-3 साल में हकूमती लोगों ने आवाम को दिया क्या है और ये लोग महसूस करते हैं। और फिर नवाज शरीफ साहब जो है हमेशा मुस्लिम लीग का वतीरा ये रहा है पिछले 50-60 साल से कि वो हमेशा हुकूमती पार्टी समझा जाता था, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए ने ये साबित किया कि नहीं, कि मुस्लिम लीग एक नज़रियाती जमात है जिसका कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं और आज उसकी बागडोर मरियम नवाज शरीफ के हाथ में है, जो एक स्ट्रांग लेडी के तौर पर सामने आई है और पब्लिक ने उनको ये समझा है कि ये इस काबिल है कि पाकिस्तानी अवाम की और मुस्लिम लीगियों की लीडर है, जो हमेशा यकीनन पाकिस्तान के लिए अच्छा और बेहतर सोच सकती हैं और हमेशा पाकिस्तान की अवाम को जो पाकिस्तानी अवाम की मांगों के मुताबिक वो काम करेंगी, और इस यही वजह है कि मुस्लिम लीग दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा उबर के सामने आ रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि नौशीन साहिबा जो भी वहाँ पे इलेक्ट हुई हैं वहाँ पे, क्या आप समझते हैं कि वहाँ के मसाइल को वो हल कर पाएंगी? यकीनन जी, आप जैसा कि जानते हैं हाफिज़ साहब कि हज़्ब इख्तलाफ में रहते हुए सीट को निकालना और ये एक अहम जो है जिम्मेदारी थी, जो मेरे भाई चौधरी अरमगान सुबहानी साहब, तारिक सुबहानी साहब और खुश अख्तर सुबहानी साहब और दीगर साथियों ने मिलकर नौशीन साहबा को इस अहल समझते हुए लीडरशिप ने उनको टिकट दी, और जो सियालकोट के साथी थे जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ कि उन्होंने ये समझते हुए कि इस लेडी में, इस खातून में ऐसे गेट्स हैं कि वो आवाम की भरपूर खिदमत करेगी, और आपने ख़ुद भी देखा होगा कि इस 2-3 माह की प्रैक्टिस में जो इलेक्शन के सिलसिले में उस खातून ने यह साबित करवाया है कि वो आयरन लेडी है। जी नाज़रीन ग्रामी, आपने देखा कि उनका ये कहना है कि यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आवाम की तर्जुमान है, लेकिन अब देखना यह है कि वहाँ पे जो हुकूमत ने, हुकूमत की जो
नाहली है, कहाँ पे जो है वो ऐसी कमज़ोरी का मुजाहरा कर रही है कि आज हुकूमत उनसे जो है वो नला नज़र आ रही है। यहाँ पे हुकूमत को अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। यकीनन इस वक्त आवाम जो है वो महंगाई में जो है वो इस पर पिस रही है, इस वक्त उनको जो है महंगाई से छुटकारा चाहिए। अगर हुकूमत इसी तरह अपना किरदार अदा करती रही तो आइंदा यकीनन जो अपनी अपोजिशन पार्टियाँ हैं उनको शिकस्त देंगी। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर हमारी जो पाकिस्तानी आवाम है, जब ऐसे इलेक्शन होते हैं उनको चाहिए कि इनको ज़ाती अना ना बनाया जाए, ज़ाती दुश्मनियाँ ना जो है वो बनाई जाएँ, बल्कि जमहूरियत का जो है वो किरदार अदा करते हुए अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें, ना कि किसी के साथ अपनी दुश्मनियाँ जो है वो पाली जाएँ। जैसा कि आपने देखा कि ये इलेक्शन जब पहले हुआ वहाँ पर अमवात भी हुई, जानी नुकसान हुआ, और उसमें क्या मिला, कोई उसका रिज़ल्ट जो है वो हमें ना मिल पाया। घर वालों को जो है वो आज भी वो इस जो है वो परेशानी से गुज़र रहे हैं। यकीनन हमें ऐसे जो मसाइल हैं उनसे सबक सीखना चाहिए ताकि आइंदा जो है वो हम इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकें। जी नाज़रीन ग्रामी, आपने देखा ये तकरीब जो है वो आज जो है वो SOPs को मद्देनज़र रखते हुए मनाई गई। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, हाफिज़ इरफान कटाना को, इंशाल्लाह आइंदा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।